एटी न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम एटी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। कितने कष्ट है भाजपा में के लोग? भारतीय जनता पार्टी परिवार शोक की लहर है। हमारे अग्रणी नेता जिन्होंने देश के विकास में, देश को विश्व गुरु बनाने में अपनी पूरी जीवन की आहुति दी हो, ऐसी सुषमा स्वराज जी आज हमारे बीच में नहीं। पूरा भारतीय जनता परिवार आज यहाँ अटल चौक सेवा समिति के सभी लोग गमगीन माहौल में हम उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। परमपिता परमेश्वर से कामना कर रहे हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। सुषमा जी का जो महत्वपूर्ण योगदान है इस भारत माता के ऊपर, भारत के ऊपर है, उस ऋण को भारत का कोई भी नागरिक कभी चुका नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी उनके सहयोग को, उनके समर्थन को, उनके योगदान को कभी भुला नहीं सकती। वो ऐसी क्षति है जिसको पूर्ण हम कभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन परमपिता परमेश्वर से यही कहेंगे कि सुषमा स्वराज जी को अपने श्री चरणों में स्थान दे और देश उनका बलिदान, देश उनका योगदान, देश उनका त्याग कभी नहीं भूल पाएगा। क्योंकि सुषमा जी ने महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर, दबे कुचलों को लेकर, बेरोजगारों को लेकर, किसानों को लेकर जो लड़ाई सड़क से और संसद तक लड़ी हो, जब जब वो विपक्ष में रही हो, जब जब सत्ता में मंत्री रही हो, अटल जी के शासन से लेकर मोदी जी के शासन तक, उनके संघर्षों को तो हम हमेशा याद रखेंगे। और उन्होंने जो कर्तव्य पथ पर चलना सिखाया है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उसका निर्वहन करेगा। सच्ची श्रद्धांजलि सुषमा जी को। राजनीति शुरू करते हुए देश के उत्थान के लिए, देश के विकास के लिए अपना सारा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया। और पूर्व विदेश मंत्री रहते हुए उन्होंने बहुत सारे नागरिकों को जो पाकिस्तान बेवजह से अपनी जेलों में रखे हुए था, उनके लिए लड़ाई लड़ते हुए कूटनीतिक तरीके से उनको घर वापसी कराई। और महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, हर वर्ग के लिए, उत्थान के लिए बराबर वो विकास के लिए लड़ाई लड़ती रहीं, आवाज़ उठाती रहीं। और विरोधी दल के नेता कभी भी उनकी बात को नहीं काट पाए थे। इस तरह से दमदार तरीके से उन्होंने हमेशा देश के सम्मान के लिए बात दमदार तरीके से संसद में रखी और लोगों को न्याय दिलाने के लिए कानून का हर तरह से उन्होंने और आज हम लोग कल मंगलवार को जैसे हमें पता लगी कि हमारी पूर्व नेता का निधन हो गया है, तो हम भाजपा के और इस देश के सारे रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा दुख के माहौल में आज यहाँ पर अटल चौक आगरा कैंट पर उनको श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा है। और हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा भावुक हैं और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनकी आत्मा को शांति दें और उनके पद चिन्हों पर हमारी आने वाली पीढ़ी को चलने का मौका दें। बस